क्वेश्चन ये कर रहा है कि राजेश जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं दो पार्ट में, ए और बी दो पार्ट में, ठीक है। एक पर कितना है, यानी कि एक पर है 8% का रेट और दूसरे पर 10% का रेट से इन्वेस्टमेंट करता है। 2 साल के बाद उन्हें इकट्ठे ब्याज के रूप में 1,680 रुपये मिलते हैं। तो आपको बताना है कि स्कीम ए में उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, और ये सिंपल इंटरेस्ट पर बात की जा रही है, इसको निकाल सकते हो। अगर मैंने मान लिया कि ₹100 पहले स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया, तो 100 × 2 = 8 × 2/100, ब्याज ऐसे ही निकालते हैं SI प्लस में दूसरा, अगर एक राशि x है तो दूसरा कितना होगा, 10,000 माइनस का x गुना कितना 10 × 2/100, और ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 1,680 रुपये। जो कटने लायक है उसको काट देंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही करते हैं। 8 × 16 × 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 10 × 2 = 20, ठीक है भाई, 20, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 कितना, 4 0 है ना, 4 0 तो ये होगा, 1 और 0 और होगा, बटे में कितना आपका 100 है, सॉरी यहाँ से माइनस छूट रहा है, माइनस का 26 बटे में 100 बराबर ये 1,680। 100 को मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ से हो जाएगा 16x और माइनस का 20x, यानी माइनस का 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1,680 माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है भाई, 3 0 तो यहाँ पर ऐसे ही होगा, 3 0 के बाद क्या है, 1,680 और यहाँ पर 2,000, तो यहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, कितना हो जाएगा आपका 32,000 माइनस 32,000, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। तो पहले में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, ऑप्शन नंबर ए, स्कीम वन में उसने 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था।